ये तुम सुनो, तुमसे बात कर रहा हूं मैं। किधर हूं मैं? किधर है हम? कौन लाया हमें यहां? मुझे नहीं पता कहां आया, लेकिन जगह थोड़ी सी डरावनी लग रही है। डरावनी लग रही है? क्या मतलब? हर जगह तेरा छाया हुआ, जैसे किसी का वक्त खत्म होने वाला है। क्या मतलब? कौन लाया मैं यहां? मुझे नहीं पता कौन लाया मैं यहां, लेकिन उससे कहा था कि हम ऐसे एक जिएगा और एक मरेगा। ये किसने कहा था? मुझे नहीं पता, मैंने बस उसकी बात सुनी थी। वो कौन होता है हमें सब बोलने वाला? मौत तो ऊपर वाले के हाथ में, उसके नहीं। निकलेंगे हम यहां से। तो पहले से इतनी कोशिश कर चुका हूं, मुझसे तो क्या करोगे? बचने कभी बचने का रास्ता है। क्या मतलब बचने का रास्ता नहीं है? पुलिस को बुलाओ, निकलेंगे हम यहां से। निकल तो जाएंगे, लेकिन मौत तो आनी है एक ना एक दिन किसी को। ये तुम सुनो, कि कौन लाया हमें यहां? मुझे नहीं पता कहां आया, लेकिन उससे कहा था कि हम ऐसे एक जिएगा और एक मरेगा। पुलिस को बुलाओ, निकलेंगे हम यहां से। निकल तो जाएंगे, लेकिन मौत तो आनी है एक ना एक दिन किसी को। हाँ, मौत तो आनी है, पर वो कौन होता है हमें मारने वाला? मौत तो ऊपर और के हाथ में। मौत ऊपर वाले के हाथ में लिखी है, लेकिन सर ये तो मैं सर ने हमें बुलाया क्यों है? पता होता तो तुझे जरूर बताता। सर, अली एंड वकास, टू ऑफ माय बेस्ट ऑफिसर्स। कोई शक? शक नहीं, जरूरत है। कैसी जरूरत सर? दो दिन पहले एक मर्डर हुआ, मरने वाले का नाम साजिद, और डेड बॉडी के करीब दीवार पे लेटर एस लिखा हुआ। ये मरने वाला कौन था? कोई कंपनी का सेल्समैन था, वीआईपी नहीं। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सर? बाकी सारी डिटेल्स इस फाइल में हैं। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों ये केस टेक ओवर करो,
आई एम 110% श्योर कि यह कातिल किसी पैटर्न के तहत काम कर रहा। ये जो भी है इसको रोकना होगा। इसकी हर मूव का हमको पता होना चाहिए। इससे पहले कि ये किसी और को मारे इसको रोको। डोंट वरी सर, ये केस अब हमारे हाथ में। ये जो भी है जहां भी है बचेगा नहीं। बेस्ट ऑफ लक, आई नो यू कैन डू इट। थैंक यू सर। फिर से हमें एक मुश्किल केस दे दिया यार। तो फिक्र क्यों करते हैं, ये तुम्हारे दांत का खेल है। हाय, यू मस्ट बी ताहा। जी, मेरा नाम वकास है, असिस्टेंट ऑफिसर। मैं साजिद के मर्डर केस पे काम कर रहा हूँ। तो उस सिलसिले में आपसे कुछ सवाल जवाब पूछने थे। जी जी बिल्कुल, बताइए मैं आपकी किस तरह मदद कर सकता हूँ। आपको पर्सनली खुद क्या लगता है कि साजिद को किसने मारा होगा? देखिए, ये तो खुद मेरी लिए मिस्ट्री है, क्योंकि जिस नेचर का साजिद था, वन ऑफ द यू नो मोस्ट हम्बल और डाउन टू अर्थ पर्सन दैट आई हैव नोन। ये हमारे लिए बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है। साजिद बहुत ही सिंपल सा बंदा था और वी आर वेरी सैड। तुम लोग के काम में कॉम्पिटिशन बहुत होते हैं, तो कोई ऐसा इंसान जो उसकी किसी अचीवमेंट से जेलस हो या कुछ? देखिए, नाराज़गी की हद तक मैं समझ सकता हूँ, मगर कोई इतना के पीछे हो ये। अब काम तो कॉम्पिटिटिव है, सेल्समैन का काम है आफ्टर ऑल, बट इतना भी नहीं कि कोई किसी का मर्डर कर दे। लेकिन हाँ, उसका एक हफ्ता पहले प्रमोशन हुआ है जब वो सेल्समैन बना, तब तक वो मेरे अंडर ही काम करता था यहाँ पे। और उसके अलावा तुम्हारी कंपनी में कोई जिसकी मेडिकल कंडीशन हो? नहीं, मेरे ख्याल से तो ऐसी कोई रिकत नहीं है हमारे कंपनी में, ना यहाँ पे ना वहाँ जहाँ पे उसका ट्रांसफर हो वहाँ पे भी। नहीं, ऐसा सच तो कोई हमारे कंपनी मैसेज भेज नहीं। इफ देयर इज एनीथिंग एल्स आपको फिर कांटेक्ट करूंगा। थैंक यू, नाइस मीटिंग, बाय। हेलो हेलो वकास, हमें बिल्डिंग से एक लाश मिली है और ये केस तुमने और अली ने सॉल्व करना है। लेकिन हम तो पहले ही केस पे काम कर रहे हैं। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन इसको भी उसी कातिल ने मारा है। तुम इतना शोर कैसे हो? सेम गन, हेडशॉट, लास्ट टाइम लेटर एस था, इस बार ए है। और एग्जैक्टली है कहाँ पे? एक बंजर बिल्डिंग में। नहीं, एग्जैक्ट लोकेशन? आई विल सेंड कोऑर्डिनेट्स टू योर जीपीएस। ठीक है, मैं अर्ली फॉरन आते हैं। ओके बाय। क्या हुआ? उस कातिल ने दूसरा कत्ल कर दिया। कहाँ पे? मुझे पता है लोकेशन, मुझे रास्ते में पता हूँ। आ जा। किसका पता हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कातिल ने क्यों मारा,
हर एक डिटेल निकालेंगे। क्या पता हमें पैटर्न का कोई क्लू मिल जाए। चलिए ऑफिस चलते हैं। चल थोड़ा सा पैटर्न समझ आ रहा है। बता। ये देख, विक्टिम का नाम साजिद, ऑक्यूपेशन सेल्समैन, मर्डर की लोकेशन स्काईड्राइव टावर। मुझे ये अल्फाबेटिकल पैटर्न लग रहा है। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू एस। मैं भी वही सोच रहा था। उसे दीवार पे इस मर्डर ने लेटर ए लिखा था, नाम आमिर और ऑक्यूपेशन अकाउंटेंट। यहाँ भी चीजें ए से रिलेटेड है और उसमें एस से। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। हेलो। दो कत्ल के बाद हमें काफी बेसब्री से मेरा इंतजार हो रहा होगा। कौन? मैं क्या लगता है मैं कौन? अली, मेरी कॉल टैप करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं खुद ही बता देता हूँ कि मैं कहाँ और तीसरा कत्ल कब होने वाला है। ट्री लाइन इंडस्ट्रीज़ के वेयर हाउसेज एरिया में आधे घंटे में पहुँचा। अगर तुम चाहते हो कि तीसरा बंदा भी बच जाए, हम थोड़ी सी एक अच्छी गेम भी खेल लेंगे। ठीक है, हम आते हैं। ओके। क्या हुआ? तीसरा मर्डर होने वाला है। कहाँ? चलो मैं बताता हूँ। मैं उस तरफ देखता हूँ। ठीक है, मैं उधर जाता हूँ। Ali Awad, Assistant Officer. मैं पहले चाहूंगा कि आप वो खिलौना नीचे करें। ये नहीं हो सकता। ठीक है, इतना सोचूंगा। Calm down, calm down. मेरे पास दो निशाने, एक ये और एक तो, लेकिन वक्त अभी इसका मुकर्रर हुआ था। बात वो बात की बात है, तुम उसे अभी जाने दो। इतनी आसानी से तुम्हें जाने दे सकते ना? तुम्हें याद है मैंने फोन पे क्या कहा था कि हम एक गेम खेलेंगे? गेम में एक हील होगी तुम्हारे। हील ये है कि तुम्हारे सामने एक मासूम सा बच्चा है और एक शैतान। तुम शैतान को पकड़ोगे या मासूम बंदे की जान बचाओगे? हेलो अली, कोई मिला? वकास, यहाँ पर कोई नहीं है। तो तुम क्या करेंगे अफसर?
मैं बताता हूँ डील क्या होगी। डील ये होगी कि तुम इसे छोड़ दो, इसके बदले मैं तुम्हें जाने दूंगा। अच्छी बात है, बात अभी थोड़ी ज्यादा देर के लिए बनेगी। फिलहाल के लिए बाय बाय, और कोई होशियार नहीं, ठीक है? बस वेयरहाउस 6 एंड 7 के बीच में आ जा, इमरजेंसी है। ओके मैं आ रहा हूँ। अली ये कौन है, क्या हुआ यहाँ पे? मेरा भी सस्पेक्ट के साथ आमने सामने हो गया था, उसने मुझे दो ऑप्शन दिए थे, या तो मैं विक्टिम को बचा लेता या तो मैं सस्पेक्ट को पकड़ लेता। मैंने विक्टिम को बचाना चाहा मगर मुझे क्या पता था कि वो पहले से मर चुका। लेकिन सस्पेक्ट कहाँ गया? वो तो कब के चला गया, इस दफ़ा विक्टिम को स्ट्रैंगल किया गया। तो अब क्या करें? अब फॉरेंसिक टीम को बुलाते हैं, जितना एविडेंस गैदर कर सकते हैं करते हैं। ठीक है मैं कॉल करता हूँ। एसन मुझे फौरन फॉरेंसिक टीम चाहिए, फिल एंड इंडस्ट्री वेयर हाउसेस। मेरे पास कुछ ये और एक अली चाय। अली थैंक्स। क्या हुआ भाई, क्या सोच रहा है? बस यही सोच रहा था कि केस को कैसे सॉल्व किया जाए। तेरा सस्पेक्ट के साथ आमना सामना हुआ और उस दौरान क्या बात हुई उसे? कुछ खास नहीं, तुझे पहले बताया था मैंने कि उसने मुझे दो ही ऑप्शन दिए थे, या मैं विक्टिम को बचा लेता या मैं सस्पेक्ट को पकड़ लेता। हर कातिल किसी मकसद से किसी को मारते हैं, तो ऐसी कोई उसकी डिमांड या कोई कंडीशन उसने बताई हो कि वो क्यों मार रहे हैं, किस लिए मार रहे हैं? मुझे तो कुछ नहीं कहा था उसने। और उसकी कोई ऐसी बात जो तुझे थोड़ी अलग लगी हो? कोई खास तो नहीं, हाँ वैसे काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहा था वो, ऐसे लग रहा था कि उसने ये सारे कत्ल जो हैं काफ़ी अरसे से प्लान करके रखे। तुम्हारे सामने एक मासूम सा बंदा है और एक शैतान है, और वो अपने आप को शैतान भी कह रहा था। खैर ये सब छोड़, तू घर जा रिलैक्स कर, तुझसे कल ऑफिस में मिलता हूँ। तू कहाँ जा रहा है? मैं ऑफिस जाऊंगा, केस पे थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना है। चल ठीक है फिर, कल मिलते हैं। ओके अल्लाह हाफिज। मिस्टर अली अवान, असिस्टेंट ऑफिसर। तो क्या करेंगे ऑफिसर? अच्छी बात है, ताकि बात अभी थोड़ी ज्यादा देर के लिए। अभी याद है मैंने फोन पे क्या कहा था कि हम एक गेम खेलेंगे, गेम की डील होगी तुम्हारी।
और हमारे देखते ही देखते तीन खून हो गए। अली ने बताया था कि वेयरहाउस 6 और 7 के बीच में कत्ल हुआ, तकरीबन यहाँ। अब यहाँ से भागने के 3 रास्ते थे। मैंने केस को पूरी तरह स्टडी करना शुरू कर दिया, मरने वालों की सारी डिटेल्स, ऑफिस, वेयरहाउस, ब्लूप्रिंट्स, मैप्स, सब कुछ। लेकिन सिर्फ एक चीज नजर नहीं आ रही थी, वजह, कत्ल की वजह। कुछ दिख रहा है? नहीं। Let me help. अच्छा सा कोई ख्वाब देखा? I hope देखा हो, क्योंकि जिंदगी के आखिरी ख्वाब का मजा ही कुछ और होता है। क्यों वाली? वो क्या है कि मौत के बाद नींद इतनी लंबी हो जाती है कि ख्वाब ही जिंदगी बन जाती है। जितना कुछ होना हो जा, अब तेरा वक्त है, आगे तेरा वक्त नहीं होगा। बेशक आखिर मेरा वक्त नहीं हो, लेकिन मेरा मकसद तो पूरा होगा ना। अफसोस जब मेरा मकसद पूरा होगा उस वक्त तुम नहीं होगे। वकास तेरा मकसद पूरा नहीं होने देगा। मेरा मकसद वकास से ही पूरा होगा। वकास पूरा नहीं करेगा, वो तुझे जिंदा ही नहीं छोड़ेगा। काश मेरी बातों को तुम समझ पाते। मुझे कोई जरूरत नहीं तेरे जैसे पागल इंसान की बातों को समझना। पागल इंसान की नहीं, एक शैतान की बात है, एक शैतान की। जो भी है, तू फतेह आखिर में अच्छाई की होगी। हाँ बेशक फतेह आखिर में अच्छाई की ही होती है, लेकिन उससे पहले जो बुराई अपना काम कर जाती है उसका मजा ही अलग है कि नहीं। जो भी तुझे खुश रखे। तो मिस्टर अली अफान, असिस्टेंट ऑफिसर, मरने से पहले कुछ चंद लफ्ज अर्ज करना चाहेंगे अपनी छोटी सी जिंदगी के बारे में। मेरी जिंदगी का मकसद अपने लोगों की हिफाजत करना है, ताकि वो रात को चैन की नींद सो सकें। अपने शहर की हिफाजत करना है, तुम जैसे हैवानों को मारना और तुम जैसे लोगों का खात्मा करना है।
मुझे मेरी जिंदगी पर फख्र है। वाह वाह वाह, क्या जिंदगी गुजारी। वो ये आखिरी दरख्वास्त। हाँ बाहर में जा। खैर ये सब छोड़, तो घर जा रिलैक्स कर, सिग्नल ऑफिस में मिलता हूँ। टू ऑफ माय बेस्ट ऑफिसर्स। कोई शक? आई एम 110% श्योर कि ये कातिल किसी पैटर्न के तहत काम कर रहा है। वो अपने आप को शैतान भी कह रहा था। दीवार पे लेटर एस लिखा हुआ था। लोकास, मुझे ये अल्फाबेटिकल पैटर्न लग रहा है। यहाँ भी चीजें ए से रिलेटेड है। आपको शैतान भी कह रहा था। शैतान भी कह रहा था। अल्फाबेटिकल पैटर्न, जैसा अली ने कहा था। फर्स्ट मर्डर में लेटर एस, मर्डर टू में लेटर ए, फिर लेटर डी, और मर्डर्स का एक दूसरे के साथ कनेक्शन था। मर्डर वन हुआ शहर के इस कोने में, मर्डर टू यहां। और मर्डर थ्री यहां। अली के घर की लोकेशन इधर है, लेकिन मर्डर हुआ यहां पे। पांच कत्ल और एक स्टार डिजाइन, मतलब मेरे दोस्त की मौत सिर्फ एक पैटर्न का हिस्सा था। हेलो ऑफिसर वकास, अपनी दोस्त की मौत तो बड़ा कम हो रहा था ना तुम्हें, और मैं जानता हूँ तुम मुझसे मिलने के लिए कितना बेताब हो रहे हो। तुम तुझे अंदाजा नहीं है कि मुझे तेरी कॉल का कितना इंतजार था। अच्छा, ऐसा क्यों? जब मिलूंगा तो बहुत अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, मिल के समझ लेंगे। ये तेरी खुशकिस्मती थी कि पिछली बार तेरी मुलाकात अली से हुई। चलो, अगर मुझसे ही मुलाकात करनी है तो आ जाओ फौरन नाबदा क्रिकेट ग्राउंड में, आखिरी कत्ल यहीं पे होने वाला है। मैं आ रहा हूँ, भागना नहीं। भागने की किसको देर है, गेम तो अभी बाकी है।
कौन हो तुम, क्या चाहते हो? You're too late, Vikas. Hands up. हाथ ऊपर. Okay. I'm not officer. अपनी बंदूक नीचे कर दो क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं. अगर अगली बात मुझसे सच नहीं निकली तो ये गोली बोलेगी. क्या ये पैटर्न SATAN क्यों पूरा करना चाहते हो इसको? मैं तो कोड ब्रेक कर लिया. कौन है आखिरी विक्टिम? N for what? ये अभी बाकी है विकास. इस दुनिया में हर किसी को एक दुख की घड़ी से गुजरना पड़ता है. Listen until of course वो दूसरों को दुख देना शुरू कर मेरी तरह एक शैतान की तरह. अली क्यों? अली क्यों? नहीं बताओगे तो क्या करोगे? मारोगे? मारो, मारो ना. नहीं, हमारा कानून तुम्हें जानो नहीं देता ना. इन्वेस्टिगेशन कोर्ट्स कोर्ट्स ब्ला ब्ला ब्ला. तो वकास क्या चूज करोगे तुम? ये कानून को या अपनी दोस्ती को? मेरा कानून मुझे इजाजत नहीं देता, पर मेरा जमीन मुझे इजाजत देता है. मेरी दोस्ती मुझे इजाजत देती है, और मेरी दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं. हेलो एसन. हाँ वकार. मुझे नादा क्रिकेट ग्राउंड में फॉरेन फॉरेंसिक टीम चाहिए अभी. फॉरेंसिक टीम? क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक ही है. तो फिर? बस पांचों मर्डर यहाँ पे हुआ और कातिल का कोई नामो निशान नहीं. ओह, तो फिर मर्डर करके भाग गया. ठीक है, मैं टीम को फॉरेन भेजता हूँ. थैंक्स. हेलो उमर. हाँ वकार. मुझे फॉरेन में. क्या हुआ, खैरियत? सात तीन बुलेट्स लेके आना. बुलेट्स क्यों? जैसे मैं कह रहा हूँ वैसा कर प्लीज, मुझे फॉरन मिल. अकाश देख, तो एक ऑफिसर है तो ये इलीगल काम करने की जरूरत नहीं. उमर हम लोग की एक बुलेट का हिसाब होता है, और मैंने कहा ना मुझे सिर्फ तीन गोलियां चाहिए. I'm good. तुम सुनाओ. बस ठीक. अच्छा तुमने बताया था कि फिफ्थ मर्डर की फाइल रेडी है, मिलेगी? हाँ रेडी हो गई है, मैं लेके आऊँगा. थैंक्स. थैंक्स यार. वैसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो. और भी तत्व मर्डर्स में, लेकिन इस मर्डर में क्या दिलचस्पी? कोई खास बात नहीं, मुझे वैसे ही केस पहले देखना था. अच्छा ये पार्सल भी आते हैं? ये किसने भेजे हैं? नो आइडिया, सेंडर्स एड्रेस नहीं लिखा हुआ था. ठीक है मैं देख लेता हूँ. ओके थैंक्स. अच्छा वैसे अभी के बाद जो मुझे केस मिलेंगे उससे मेरे साथ फील्ड पे तुम जाओगे. ऑलराइट. ये इंट्रोडक्शन तुम्हें हमारी मुलाकात के बाद मिलेगा. मेरी जिंदगी का मकसद मेरे मरने के बाद से रिलेटेड है, जो लोगों के दिल में डर और जहन में खौफ को हमेशा के लिए कैद करते हैं. और इस खेल का हिस्सा बनेंगे पांच लोग. इसे बनाया भी मैंने, इसे खेलूंगा भी मैं और जीतूंगा भी मैं. और खत्म करेगा कौन? तुम करोगे.
नवीद का असली मकसद दुनिया के सामने वो पैटर्न लाना था, इसीलिए उसने उन सबको मारा। उसने फोर्थ मर्डर भी अली का इसीलिए किया ताकि आखिर में मैं उसको मारूं, और बिल्कुल वैसा हुआ। जब ये केस सॉल्व होगा ये बात मीडिया वाले फैला देंगे कि पैटर्न क्या है, और यही नवीद का मकसद था। पर ये कहानियां ख़त्म नहीं होती। मैंने वो तमाम सबूत मिटा दिए जो पैटर्न से जुड़े थे और सिर्फ मुझे पता थे। कानून की नज़रों में शायद केस नंबर 9 अभी भी ओपन है, लेकिन ये बात सिर्फ मैं जानता हूँ कि केस नंबर 9 सॉल्व हो चुका है।